सिंहासन की लालच में। दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे भूल भुलैया 3 के 11वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और जानेंगे इस फिल्म के अब तक के टोटल इंडिया नेट ग्रॉस ओवरसीज और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडिया में रिकॉर्ड ब्रेकिंग 35 करोड़ 30 लाख का कलेक्शन किया था। ये फिल्म कार्तिक आर्यन के कैरियर की सबसे बड़ी ओपनर भी साबित हुई थी। वहीं पहले वीकेंड में 106 करोड़ 25 लाख कर अपने पहले हफ्ते में 158 करोड़ 83 लाख का कलेक्शन किया था। अपने 8वें दिन में 9 करोड़ 18 लाख का, 9वें दिन में 15 करोड़ 80 लाख का और अपने 10वें दिन मैंने संडे के दिन में लगभग 17 करोड़ का कलेक्शन किया है, जिससे इस फिल्म के 10 दिनों को टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 200 करोड़ 81 लाख हो चुका है। तो टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 239 करोड़ 30 लाख हो चुका है। वहीं फिल्म ने ओवरसीज में लगभग 68 करोड़ का कलेक्शन किया है। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के 10 दिनों को टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 307 करोड़ 30 लाख हो चुका है। आपको बता दूं दोस्तों कि भूल भुलैया 3 कार्तिक आर्यन के कैरियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। वहीं ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस में 200 करोड़ क्लब में भी शामिल हो चुकी है और 200 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली ये कार्तिक आर्यन की पहली फिल्म भी है। बात करें दोस्तों इस फिल्म के 11वें दिन के कलेक्शन की तो ये फिल्म अपने 11वें दिन में इंडिया में लगभग 6 से 8 करोड़ के रेंज में कलेक्शन करने वाली है। आपको बता दूं दोस्तों कि फिल्म का टोटल बजट लगभग 150 करोड़ है तो थिएटरिकल बजट लगभग 80 करोड़ है और अब तक के कलेक्शन के हिसाब से फिल्म बॉक्स ऑफिस में सुपरहिट साबित हो चुकी है। जिनको थिएटरिकल बजट क्या होता है नहीं पता तो उनको बता दूं कि थिएटरिकल बजट मतलब थिएटरिकल राइट्स, और इस राइट्स की रिकवरी फिल्म को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से करनी होती है और फिल्म ने कर भी ली है। बाकी फिल्म का जो टोटल बजट होता है उसमें से कुछ रिकवरी फिल्म डिजिटल राइट्स, सैटेलाइट राइट्स और म्यूजिक राइट्स से कर लेती है। वहीं बात करें दोस्तों इस फिल्म के आईएमडीबी रेटिंग की तो इस फिल्म को 5.9 रेटिंग मिले हैं। इस फिल्म ने रोहित शेट्टी की मल्टी स्टारर फिल्म सिंघम अगेन को भी पीछे छोड़ दिया है। अब भूल भुलैया 3 के कलेक्शन सिंघम अगेन से भी ज्यादा आने लगे हैं। तो दोस्तों अगर आपने फिल्म देख लिया तो आपको फिल्म कैसी लगी, आप इस फिल्म को 5 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो ऐसी बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन और फिल्मों की सभी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दे ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।